1 जुलाई को इनमोसा बीसीसीएल के कोयला भवन के हेडक्वार्टर के समीप धरना देने जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। और 1 तारीख को आज हम बात करते हैं बीसीसीएल के इनमोसा के उप महामंत्री श्री कुश कुमार जी से कि किन मांगों को लेकर वो धरना दे रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं और कल धरना जो दे रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि एक दिवसीय धरना हम इसलिए दिए हैं कि करीब 3 वर्षों से हम मांग पत्र देते आ रहे हैं कंपनी को कि हमको सभी बोर्ड में रखा जाए और हमको चाइल्ड लॉन्स जो है काफ़ी माइंस का दूरी बढ़ा है, इसको आगे बढ़ाया जाए, चाइल्ड लॉन्स के लिए बारे में सोचा जाए और बीसीसीएल में हेडक्वार्टर सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारे लोग हमेशा आते हैं, कहीं ना कहीं अप्रिय घटना घटता है तो उसमें हमको केबिन की व्यवस्था दिया जाए। ये 3 चीज़ जो है मांग हम किए हैं, नहीं माने हैं, मजबूर होकर हम धरना दिए हैं। हो सकता है कि अगर मान नहीं लेते हैं तो हम कोल इंडिया और अनिश्चितकालीन बीसीसीएल में भी धरना हम देंगे, जिसमें पूरे कोल इंडिया के इनमोसा के लोग यहाँ जुटेगा, यही मेरा टारगेट है। आज हम बात करेंगे इनमोसा के संगठन सचिव विजय कुमार यादव जी से कल जो होने वाले धरने के बारे में, आप कुछ बताइए। बिल्कुल, जो हमारे महामंत्री जी ने कहा कि जो हम लोगों का जो धरना है 1 जुलाई को, निश्चित रूप से बहुत इनमोसा सदस्यों में आक्रोश है, बहुत से सारा हमारा काम जो है लंबित है, उससे आक्रोशित सारे सदस्य हैं, मजबूरी में आके हम लोग धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम लोग, जैसे कंपनी कहती है कि आप लोग फ्रंट लाइन सुपरवाइजर हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर हम लोगों को किनारे कर दिया जाता है, काम के मामले में आगे कर दिया जाता है। निश्चित रूप से हमारे लोग जब बीमार होते हैं या कहीं एक्सीडेंट में कोई घटना घटती है तो सेंट्रल हॉस्पिटल में केबिन मिलना मुश्किल हो जाता है, हम लोग पैसा भी देते हैं केबिन का, उसके बाद भी नहीं मिलता है। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है तो क्यों, क्या केबिन की व्यवस्था नहीं बढ़ सकती संख्या? तो ये बहुत लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो कम से कम ये डिमांड को मानना चाहिए। और जहाँ पर रही बात सेफ्टी कमेटी या सीसी कमेटी की बात रही, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर, इसमें बारे सारे लोग हैं, सारे लोग कानून के जानकार हैं, उन्हें ही बोर्ड से वंचित रखा गया है। लोग जब कहीं घटना होती है तो बोलते हैं एक्सपर्ट को बुलाए, अरे एक्सपर्ट कौन होते हैं, माइनिंग से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से बुलाया जाता है। जब हमारे लोग पढ़ लिख के दक्ष हैं, उसे कंपनी को और फ़ायदा होगा और अच्छा चीज़ जानकारी मिलेगा, तो कंपनी को विचार करना चाहिए। और धरना तो हम लोग निश्चित रूप से कल है, महामंत्री जो हमारे कुश कुमार सिंह ने कहा ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी, कोल इंडिया तक बढ़ेगी, और उसी के सापेक्ष में हम लोग कल धरना में बैठेंगे और पूरे बीसीसीएल से हजारों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भाग लेंगे और धरना को सफल बनाएंगे। और कुछ ये प्रमोशन को लेकर भी आपकी मांगे थी, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रमोशन के लिए हमारे उप महामंत्री कुश कुमार सिंह जी और वाईके सिंह, हमारे जो संयुक्त महामंत्री हैं, विगत 1 महीना पहले कोल इंडिया चेयरमैन से मिले थे और उन्होंने सारा प्रपोजल, सारा तरीका कि माइनिंग कैडर को सुधार कैसे करना, रिव्यू कैसे करना, सारी जानकारी उन्होंने उनको दिया है। और महामंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है निश्चित रूप से उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अभी वो पाइपलाइन में है लेकिन वो भी रिजल्ट जल्द मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उस पर भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मोसा फ्रंट लाइन में आकर माइन में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ गतिविधि को अंजाम देता है और काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है कोल, पूरे कोल सेक्टर का इनमोसा। और हमने बात किया श्री कुश कुमार जी से और जाना कि आज कल जो धरना है उसके बारे में हमने जाना। इसी के साथ देखते रहिए नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, धन्यवाद।